हेलो दोस्तों, फाइनली S24 अल्ट्रा भी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। काफ़ी सारे इसमें अपग्रेड देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे फीचर यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं और इसमें आपको AI भी इस बार देखने को मिलेगा। क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। वीडियो में बस एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की। 130,000 के करीब यहाँ देखने को मिलता है और कार्ड ऑफर के साथ आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इसमें आपको बेस वेरिएंट जो है 12/256 GB वाला देखने को मिलेगा, 512 GB भी आप ले सकते हैं और 1 TB वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। यहाँ पे डिस्प्ले में 6.8 इंच का QHD+ डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलने वाला है। और एक LTPO पैनल है, 1 Hz से लेके 120Hz तक जाता है तो बैटरी वगैरह यहाँ पे सेव हो जाता है। इसके अलावा HDR10+ का भी सपोर्ट करता है और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और ये गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आपको डिस्प्ले इस बार फ्लैट देखने को मिलेगी और आपको 2600 nits का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है, काफी ब्राइट आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जो आप रिफ्लेक्शन वगैरह आता है डिस्प्ले पे, अगर आप धूप वगैरह में देखते हैं तो आपको खुद की फोटो जो स्क्रीन में नजर आती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है और बैटरी बैकअप भी काफ़ी इम्प्रूव है और 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा 15W की और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है 4.5W की और Type-C2C चार्जिंग केबल इसके बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। काफ़ी अच्छे स्पीकर यहाँ पे यूज़ किए गए, काफ़ी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया गया और ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। ई सिम का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। वाईफाई 7 आपको मिलने वाला है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलेगा और NFC का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। और इस पर आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलने वाला है तो वेट वगैरह थोड़ा सा कम हुआ है, दिखने में थोड़ा सा लाइट वेट लगता है बट 234 ग्राम के करीब अप्रोक्सीमेट वेट देखने को मिला, पहले 235 था। और IP68 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी, आप पानी में डुबकी आराम से इसको मरवा सकते। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4 Galaxy देखने को मिलता है, सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो आप गेमिंग वगैरह करते हैं, हैवी टास्क करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली हैंडल कर लेते हैं प्रोसेसर। इसके अलावा LPDDR5X रैम टाइप आपको मिलने वाला है, UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 इसमें मिलने वाला है और One UI 6.1 देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपडेट में तो काफी इंप्रेस किया मुझे, आपको 7 ईयर का मेजर अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्या आप 7 ईयर तक इस फोन को यूज करने वाले हैं? और अगर मैं इसके अंततः स्कोर की बात करता हूँ तो आपको 1.9 मिलियन के ऊपर या अंततः स्कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1.9x का वेपर कूलिंग चैम्बर भी इसमें यूज किया गया, आप गेमिंग वगैरह करेंगे तो हीटिंग इशू आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसके कैमरास की ओर, फिर उसके बाद हम इसके कुछ AI फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ ही आने वाला है, प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिलने वाला है, प्लस 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप लेंस भी देखने को मिलेगा, प्लस 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की बात करूं तो आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके कैमरास को S23 अल्ट्रा से कंपेयर करता हूँ तो इसकी जो फोटोज है वहाँ पे भी अच्छी फोटोज आपको देखने को मिलती थी, बट इसमें जो कलर है वो कूल साइड में रखता ही है। इसके अलावा जो नाइट में डिटेल वगैरह आपको पहले से बेटर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके कैमरे में काफी सारे और फीचर भी यहाँ पे डाल दिए गए, जैसे आपकी आईज क्लोज है उसको ये ओपन कर देगा AI के फीचर से, और हेयर स्टाइल वगैरह आपका चेंज करना है वो भी कर देगा, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है आपको वो भी ये कर देगा AI की हेल्प से। इसके अलावा आपने कोई भी वीडियो शूट किया है उसको आपको स्लोमो करना है तो ये 120fps पे आप टच करते ही ये स्लोमो में उसको कन्वर्ट कर देगा, काफी अच्छा फीचर मुझे ये लगा। इसके अलावा 8K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps में मेन कैमरा से और 8K वीडियो आप टेलीफोटो कैमरा से भी रिकॉर्ड कर पाएंगे 5x जूम के साथ भी, और सेल्फी कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 60fps पे। वीडियोग्राफी काफी स्टेबल आपको देखने को मिलती है।
इसके अलावा आप 5x पोर्ट्रेट फोटोज भी यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे और काफी ज्यादा डिटेल भी आपको उसमें देखने को मिलेगी। कैमरा इसमें नो डाउट आपको नेक्स्ट लेवल कैमरा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि S23 अल्ट्रा में भी आपको देखने को मिलता था, और इसमें भी आपको कैमरास काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ AI फीचर की हम बात कर लेते हैं। हम सबसे पहला जो फीचर लगा सर्कल टू सर्च, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल करके इंस्टेंट सर्च कर सकते हैं। कोई आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, आपको बस सर्कल कर देना है। जैसा कि लाइक आपने कोई शर्ट डाली है या फिर आपकी स्वेटर है, आपने कहाँ से परचेज करनी है वो तुरंत आपको बता देगा सर्कल करते ही कि आपको ये कहाँ से मिल सकती है और क्या कुछ इसका रहने वाला है। इसके अलावा आपको लाइव ट्रांसलेट कर देगा ये, जैसा कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, तो ये इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को हिंदी में आपको समझा देगा ट्रांसलेट करके, और आपकी हिंदी वाले को उसको इंग्लिश में समझा देगा ट्रांसलेट करके। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्रीज में भी 13 लैंग्वेज इसमें आपको मिलने वाली है, तो उस लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको ये ट्रांसलेट करके इंस्टेंट तुरंत आपको बता देगा। काफ़ी यूजफुल लगा मुझे ये फीचर जो इसका पहले वाला था, जो सर्कल टू सर्च वाला, और ये लाइव ट्रांसलेट वाला। इसके अलावा आपको चैट असिस्टेंट में भी हेल्प मिलने वाली है। आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं किसी और लैंग्वेज में, ये तुरंत कन्वर्ट कर देगा आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी से इंग्लिश में, या इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं तो ये इंस्टेंट आपको टाइप करके सामने वाले को भेज देगा। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे AI फीचर इसमें देखने को मिलेंगे, जो मेन हाइलाइट्स से मैंने आपको बताया और समझाने की भी कोशिश की। आपको भी अगर एक नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में।